कृषि मंत्री कमल पटेल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रास्ते में खड़े डंपर को लेकर आला अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस डंपर की वजह से कितने लोग घायल हो गए और आप लोग अभी तक सो रहे हैं। आप लोगों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप जैसे लोगों की वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर से हरदा जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में उनका काफिला सतवास में रुका, जहां पर एक खराब डंपर खड़ा हुआ था। लोगों ने इस खराब डंपर की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं से कृषि मंत्री को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सतवास थाना TI को बुलाकर उन्हें सारी जानकारी दी। जब TI ने इस मामले पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो कृषि मंत्री ने थाने में जाकर उन्हें सख्त अंदाज में कहा कि आप जैसे अफसरों की वजह से सरकार की छवि खराब होती है। जब 10 दिनों से डंपर की वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो आपने इस डंपर को रास्ते से क्यों नहीं हटाया? क्या आप और दुर्घटनाएं होने का इंतजार कर रहे हैं? आप जैसे लोगों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी दे, पुलिस क्या करे, तुम्हारी ड्यूटी किसकी माता है? बलदार कौन? और 1 किलोमीटर का रोड के ऊपर 5 दिन से डंपर खड़ा है, रात दिन कितने लोग टकरा गए, शर्म नहीं आती तुमको? पूरा थाना सस्पेंड बर्खास्त। तुम नौकरी लायक नहीं हो, तुमको जेल भेजने भी FIR होगी तुम्हारी। 300 लोग दुर्घटना उसकी भी दोषी तुम, पूरा थाना तुम्हारा दोषी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।